नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ प्रभावित जिलों में डॉक्टर और कर्मियों का रोस्टर हुआ तैयार। बिहार के सभी पंचायतों में खोले जाएंगे इंटर स्कूल। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 20 जुलाई तक मिला मौका। पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी हुई शुरू। बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंट वाले 2,00,000 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर किया पास। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बाढ़ प्रभावित जिलों में डॉक्टर और कर्मियों का रोस्टर हुआ तैयार। बिहार में बाढ़ की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए बाढ़ प्रभावित जिलों में डॉक्टर और कर्मियों का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर 28 बाढ़ प्रभावित जिलों में रोस्टर ड्यूटी की सूची तैयार की गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग को गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण सहित अन्य जिलों ने रोस्टर ड्यूटी की सूची तैयार करने की जानकारी दे दी है। घर घर गंभीर मरीज, गर्भवती महिला, नवजात शिशुओं जिन्हें देखभाल की जरूरत है, उनको आशा और ANM के माध्यम से चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिहार में कोविड-19 के मिले 350 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 347 मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,547 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, औरंगाबाद में 6, बांका में 3, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 9, भोजपुर में 2, दरभंगा में 13, ईस्ट चंपारण में 11, गया में 4, गोपालगंज में 20, जमुई में 1, जहानाबाद में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 19, खगड़िया में 9, किशनगंज में 5, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 14, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 10, नालंदा में 7, नवादा में 7, पटना में 41, पूर्णिया में 15, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 5, सारण में 14, शेखपुरा में 2, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 7, सिवान में 13, सुपौल में 9, वैशाली में 19, वेस्ट चंपारण में 6 मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,10,608 सैंपल की जांच की गई। वहीं 594 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने का होगा 6 जिलों में सिरो सर्वे। बिहार में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं। इसी बीच एंटीबॉडी बनने को लेकर सिरो सर्वे जल्द ही बिहार में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद बीते दिन से सर्वे में शामिल होने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो चुका है। वहीं 20 जून से सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर्वे में 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों, जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बेगूसराय, बक्सर, अरवल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मधुबनी में सिरो सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। इनमें 400 सैंपल पंचायत स्तर पर लिए जाएंगे। इसी तरह सभी 6 जिलों में कुल मिलाकर 3,000 सैंपल एकत्र किए जाएंगे। बिहार के सभी पंचायतों में खोले जाएंगे इंटर स्कूल। बिहार के सभी पंचायतों में इंटर स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत जिले में 63 ऐसे पंचायत हैं जहां पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होती है। 2 प्रखंड से तो विद्यालय को उत्क्रमित करने का प्रस्ताव भी जिला कार्यालय को दिया गया है। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए 75 डिसिमल जमीन की उपलब्धता आवश्यक है। इसमें 40 डिसिमल जमीन खाली होनी चाहिए। यदि किसी विद्यालय के पास कितनी जमीन है तो उसके प्रस्ताव को भेज सकते हैं। मालूम हो कि 63 विद्यालय में इसी शैक्षणिक सत्र से 9वीं की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। नीतीश सरकार ने सेविकाओं को स्मार्टफोन देने का किया ऐलान। आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार ने सेविकाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान कर दिया है। इन स्मार्टफोन की मदद से पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिसकी जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मंजू कुमारी ने प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 52 में पोषण प्रकार के तहत दी है। प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि हर महीने सभी सेविकाओं को नेट पैक के लिए 250 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, ICDS से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार में आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुश्रवण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए विभागीय स्तर पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के 2 IAS अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 2 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, जिसके तहत पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव हरेंद्रनाथ दुबे को अगले आदेश तक निदेशक पंचायती राज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं बिहार सरकार ने लघु जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव गोपाल मीना को खान निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है।
बिहार में 22 जून तक बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बीते कुछ दिनों से बिहार में लगातार रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है, जिसके बाद मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 22 जून तक रुक रुक कर बारिश होने के अनुमान आगे भी हैं, जिसके तहत मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान लोगों से बेहद सावधान रहने की अपील की गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने इस बाबत बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव अभी जारी रहेगा। वर्तमान में राजस्थान से असम तक ट्रफ लाइन गुजर रही है, इस कारण बिहार समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 20 जुलाई तक मिला मौका। शिक्षा विभाग ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक और मौका दिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग की तरफ से निगरानी जांच के दायरे में आए नियोजित शिक्षकों को दस्तावेज उपलब्ध करवाने का अंतिम मौका 21 जून से 20 जुलाई तक दिया गया। इस अवधि में इन शिक्षकों को विशेष पोर्टल पर अपने शैक्षणिक अनुभव और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। इन शिक्षकों की नियुक्ति साल 2006 से 2015 के बीच हुई है। आपको बता दें, इससे पहले शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों में से करीब 93,000 शिक्षकों के नाम विभाग के विभिन्न वेबसाइट पर NIC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। बाकी बचे 10,000 शिक्षकों के नाम अभी अपलोड होने बाकी रह गए। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को दस्तावेज अपलोड करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी हुई शुरू। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच अब नगर निकाय चुनाव को लेकर भी काम शुरू हो गया है, जिसके तहत जल्द ही नवगठित नए नगर निकायों में वार्ड गठन का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर नवगठित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी स्थानीय लोगों के साथ सुझाव पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश जारी कर चुके हैं। इसे जिलाधिकारियों के पास भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी स्तर से दावा आपत्ति निवारण के बाद नगर विकास और आवास विभाग इस पर अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। बाढ़ के कहर को रोकने में जुटी सरकार। बिहार में संभावित बाढ़ के कहर को रोकने में सरकार जुट गई है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग की तरफ से लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया। इस बाबत जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट कर बताया कि बाढ़ से सुरक्षा में जन सहभागिता के लिए विशेष पहल की गई है। तटबंध में कटाव, रिसाव, पाइपिंग आदि की सूचना 2400 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800345614 पर फोन करके या ट्विटर, फेसबुक पर #HelloWRD के साथ पोस्ट कर जल संसाधन विभाग तक पहुंचा सकते हैं, जिसके तहत विभाग की तरफ से बिहार के अररिया, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया और पटना जिले में बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंट वाले 2,00,000 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर किया पास। बिहार बोर्ड ने 10वीं कंपार्टमेंटल और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के करीब 2,00,000 छात्रों को पास करने का काम किया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने बिना परीक्षा ही अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक देकर पास घोषित कर दिया। इस बाबत बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से सूचना दे दी गई है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2021 को संपन्न कराकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। एक या दो विषय में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण अगले 2-3 महीने तक कंपार्टमेंट परीक्षा कराए जाना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में छात्रों को ग्रेस अंक देकर कुछ को अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण करने का फैसला किया गया है, जिसका रिजल्ट आज शाम तक आने की उम्मीद जताई गई है। कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए एम्स पटना बताएगा तरीका। कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को कम करने के लिए पटना एम्स शनिवार को ई संजीवनी कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। एम्स के शिक्षा विभाग और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कोविड-19 के पहले और बाद में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने का ऐलान किया है। साथ ही सांस रुकने की स्थिति में पहले 6 मिनट में क्या क्या किया जा सकता है, इसे भी शामिल किया गया है। इसको लेकर पटना एम्स की वेबसाइट पर कोर्स में शामिल होने के लिए लिंक शनिवार से उपलब्ध करा दिया जाएगा। 4 घंटे के इस कोर्स में इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा और उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए बनाया गया मास्टर प्लान। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में उभरे दरभंगा एयरपोर्ट को और ज्यादा विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी काफी गंभीर नजर आ रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार और भारतीय वायुसेना ने समन्वय स्थापित कर लगातार विकास कार्य को किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब मौजूदा ट्रेडमिल भवन के विस्तार के साथ साथ सिविल एनक्लेव की स्थापना की कवायद भी शुरू कर दी गई है। AAI के अध्यक्ष संजीव कुमार ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है और कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। एयरपोर्ट से राज्य सरकार के साथ मिलकर योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम शुरू हो गया है। समय रहते विकास के कार्य पूरे हो जाएंगे।
कोसी का जलस्तर बढ़ने के कारण सड़कों पर बहने लगा पानी। लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि बाढ़ का पानी नीचे इलाकों के ग्रामीण सड़कों पर बहने लगा है। जानकारी के अनुसार झारा से सौरवा और बोहरवा से बेलदावर जाने वाले ग्रामीण सड़क पर बाढ़ का पानी बहने लगा है, जिसके कारण आवागमन में समस्या उत्पन्न हो गई है। जबकि नदी के जलस्तर में वृद्धि से तैयार फलों को सुरक्षित रखने की समस्या होने लगी है। स्थानीय लोगों की माने तो नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सड़कों पर पानी चढ़ गया है, जिससे वाहन नहीं गुजर सकता। पानी इतना भी नहीं है कि वहां नाव का परिचालन किया जा सके। ऐसी स्थिति में मक्का को ना तो बेचने के लिए बाजार ले जा सकते हैं और ना ही उसे घर में रखा जा सकता है। मक्का बारिश के कारण पहले ही भीग गया था, जिसे सुखाने और तैयार करने के पहले ही मुसीबत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मांझी ने दी सफाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत उन्होंने अपना सफाई देते हुए कहा कि कुछ दिनों से हमको लेकर जो राजनीतिक चर्चा चल रही है उसमें कोई दम नहीं है। राज्य और देश हित में एनडीए को मजबूत रखना है। पिछले कुछ दिनों से कई तरह के कन्फ्यूजन को फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कई अन्य विषयों पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा हुई, बाढ़ राहत पर भी बातचीत हुई। हालांकि इस दौरान लोजपा विवाद पर जीतन राम मांझी ने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर लगी रोक हटी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 5 मई को अफसरों से लेकर जवानों तक के अवकाश पर लगी रोक को हटा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस अफसर से लेकर जवान तक अपने अवकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने और सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी मंजूर करने की इजाजत दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन हटा दिया गया है। सूबे में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय द्वारा समीक्षा की गई और के अवकाश पर लगाई गई रोक को हटाने का निर्णय लिया गया। लोजपा में हुए विभाजन पर केसी त्यागी ने दिया बयान। लोजपा में हुए विभाजन को लेकर लगातार बिहार के सियासी गलियारे से बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीते दिन जदयू ने इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यह चिराग की आक्रामक कार्यशैली और संगठन चलाने में असक्षम रहने की परिणित है कि जदयू को कभी लोजपा से मतलब नहीं रहा है। लोजपा का चुनावी तालमेल भाजपा से ही था। चिराग अपनी पार्टी में विभाजन के लिए बेवजह जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। 2005 से 2020 तक के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कभी जदयू के साथ लोजपा का चुनावी गठबंधन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है जिन्होंने बार बार उदारता दिखाई थी। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के गिरने का किया दावा। अपने पिता की तरह चिराग पासवान अब राजनीतिक भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने बीते दिन एनडीए को लेकर भविष्यवाणी की है, जिसके तहत चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगा। नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और लोकसभा चुनाव के पहले हर हाल में विधानसभा का चुनाव होगा। इसके साथ ही अपनी पार्टी में जारी उठापटक पर उन्होंने कहा कि संसदीय दल का नेता चुने जाने का दावा करने वाले उनके चाचा को भले ही लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता दे दी हो, लेकिन हमने अपनी बात स्पीकर ओम बिरला के सामने रखती है। हमें उम्मीद है कि लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान समझने के बाद वो अपने फैसले को बदलेंगे। बिहार में अंचल अधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार के नए अंचल अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई राजस्व पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी और बंदोबस्त पदाधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अंचल अधिकारी प्रभाव, अंचल अधिकारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और इनके ही ग्रेड के अन्य राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें श्री विजय प्रकाश, श्री संजय कुमार, श्री ललन कुमार मंडल, श्री दिवाकर कुमार, श्री राकेश, मुकुल कुमार झा, संतोष कुमार सुमन, सौरभ कुमार, धर्मेंद्र प्रसाद, भारतेंदु, चंद्रजीत प्रकाश, इंद्रासन शाह, काशिफ नवाज, रविराज, अनुज कुमार, मृत्युंजय कुमार, अभिषेक कुमार, सुनील कुमार, आदित्य शंकर, अमरेंद्र कुमार, प्रभात रंजन, इंकेशाफ आलम का नाम शामिल है। चाचा भतीजे दोनों ने लोजपा पर जताई दावेदारी। इन दिनों लोजपा में पारिवारिक मतभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चाचा भतीजा एक दूसरे के आमने सामने है। पशुपति पारस में बतौर लोजपा अध्यक्ष कुर्सी संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बगावत शुरू कर दिया है। यही कारण है कि चिराग पासवान बीते दिन चुनाव आयोग पहुंचे थे। हालांकि सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि भतीजे के पीछे पीछे पशुपति पारस भी चुनाव आयोग पहुंचे, जहां पर दोनों ने पार्टी पर अपनी दावेदारी जताई है। इस दौरान पशुपति कुमार पारस ने खुद के अध्यक्ष चुने जाने का दस्तावेज आयोग को भेजने की बात कहते हुए पार्टी पर दावा जताया। वहीं चिराग पासवान ने आयोग के सामने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दावा किया है कि कार्यकारिणी का बहुमत उनके साथ है। वहीं अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला सुनाती है।
टीकाकरण के आंकड़ों को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछे सवाल। टीकाकरण के आंकड़ों को लेकर बीते दिन बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही जारी किए गए डेटा के अनुसार बिहार में एक दिन में 6 लाख से ज्यादा टीकाकरण करने का दावा किया गया था, जिसके बाद से ही तेजस्वी यादव ने इस रिपोर्ट का हवाला बनाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की एक छोटी सी वानगी है। नीतीश सरकार ने कोरोना जांच, दवा खरीद, एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा किया है। मुख्यमंत्री का अलग आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री का अलग और शिक्षा विभाग का अलग। बेशर्म को अभी शर्म नहीं आ रही। आपको बता दें, सरकार की तरफ से 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग आंकड़े पेश किए गए, जिस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष ने सरकार पर कोविड-19 के बहाने लोगों को गुमराह करने और उनके साथ धोखे का आरोप लगाया है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए परामर्शी समिति को मिला अधिकार। बिहार में छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन कौन सी समिति करेगी, उसको लेकर सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, जिसके तहत जिला परिषद परामर्शी समिति ही शिक्षकों का नियोजन अब करने वाली है। शिक्षा विभाग ने जिला परिषद परामर्श समिति के नियोजन के लिए अधिकृत कर दिया है। इसको लेकर जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वही समिति की अध्यक्षता करेंगे। वही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर उप विकास आयुक्त होंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 का गठन किया गया। इस नियमावली में शक्ति का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2021 एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित जिला परिषद परामर्श समिति से संबंधित प्रावधान प्रभावी होंगे। संसदीय समिति के सवाल पर ट्विटर के प्रतिनिधि ने दिया जवाब। केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बीच ट्विटर के प्रतिनिधि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी कमेटी के सामने बीते दिन पेश हुए। इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। जानकारों की माने तो रिपोर्ट के अनुसार जब समिति के सदस्यों ने ट्विटर से पूछा कि देश के कानून का उल्लंघन करने पर क्यों ना उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए, तब इसके जवाब में ट्विटर के प्रतिनिधि ने कहा कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जिस पर संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा कि देश का नियम कानून सबसे ऊपर है और यह आपकी पॉलिसी नहीं। इसके साथ ही ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि कमेटी के सामने हमें अपनी बात रखने का मौका मिला, जिसके हम सराहना करते हैं और हम भारत सरकार के साथ काम करते रहेंगे। हम यहां नागरिकों की सुरक्षा देने और पारदर्शिता बनाए रखने तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर नियम बनाए रखना, जरूरी नियमों का पालन करना, इन सब के लिए कटिबद्ध है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। उत्तराखंड सरकार ने 2008 में गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी और 380 मेगावाट की भौरुन धारी परियोजना को स्थगित किया। राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयायक प्रखर चिंतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में दमोह में पथरिया गांव में हुआ था। भारतीय नेता और भारत के संसद के सदस्य राहुल गांधी का जन्म 1970 में नई दिल्ली में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को विश्व एथनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,350 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,350 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.29 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.24 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, नीतीश कुमार, कृष्ण कुमार, सनी कुमार, विकास पासवान, रंजीत मेहता, श्याम नंदन कुमार, आशु आशुतोष, धीरज कुमार, विकी कुमार, दुष्यंत कुमार, असलम राज, आदर्श, अनुज, दिवाकर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार लोजपा में जारी सियासी उठापटक के बीच चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला सुना सकती है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन